एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 मैजिक। और आज मैं आपके लिए महाशिवरात्रि पे इस शिव जी का संदेश आपके लिए लाइक किया आई हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ गाइडेंस कार्ड ऑलरेडी ओरेकल कार्ड्स निकाल के रखे हैं, कुछ हम आपके सामने ही शफल करूँगी ताकि क्विक रीडिंग हो सके। और ये ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करते हुए सिर्फ शिव पार्वती की तरफ से आपको क्या संदेश है, क्या मैसेज है और उसके लिए क्या गाइडेंस है मैं आपको बताना चाहूँगी। होप ये मैसेज और ये रीडिंग आपके काम आए। इसमें मैंने रेमेडी कार्ड भी ले रखे हैं अगर, और मैं ये भी इसमें रीड करूँगी, ठीक है, और आपके लिए रेमेडीज भी बताऊँगी। ओके, तो चलिए हम चलते हैं पाइल वन के साथ। मैंने इसमें तीन स्टोन रखे हैं, ये येलो कलर का स्टोन है, ये पाइल टू ग्रीन कलर का स्टोन है और ये पाइल थ्री जो है ये रेड कलर का स्टोन है, ठीक है। तो आपको कलर वाइज जो भी स्टोन जो भी जैसे अट्रैक्ट करता है आप उस पाइल की तरफ जा सकते हैं और उस पाइल को आप सुन सकते हो, ठीक है। चले चलते हैं, तो हम पाइल वन के साथ चलते हैं, जो जिन्होंने भी हमारा येलो स्टोन सुना है। चलिए, ओके, हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी येलो कलर का स्टोन चुना है तो हमने कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए ले रखे हैं, हम बाद में देखेंगे। पहले हम अपने इस टैरो डेक से और कुछ एक दो और डेक हैं ओरेकल डेक्स, उन वहाँ से आपके लिए मैसेज लेंगे कि क्या है आपके लिए शिव संदेश, शिव पार्वती की तरफ से आपको क्या है मैसेज। ओके, फर्स्ट कार्ड है हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का, सेकंड काम है कार्ड है हमारा रिलीज का, जो कि है, ठीक है, और थर्ड है ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, ओके, और फोर्थ है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल्स का, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, ये भी हमारा जो है पेज ऑफ वैंड्स का है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे डियर जो मुझे आपके लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपको अपनी कुछ नेगेटिव चीज़ों से कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कह रहा है कि आपको अपनी नेगेटिव, अपने आसपास की नेगेटिव चीज़ें, जो भी आपके अंदर की कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं या नेगेटिव सोच है, उनसे दूर होने का समय आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि आप बहुत चाहते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन्स हैं, परेशानियां हैं, या लोगों द्वारा आपको कोई परेशानी है, तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले अपनी सोच को, अपनी खुद की हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है। कहीं ना कहीं आपको ये कहा गया है कि जो भी आपके दिमाग में इस वक्त एक आइडिया क्रिएट होगा, जो मेरी एक ब्लेसिंग होगी, उस आइडिया को बड़ी सोच समझ के आपने ना उसको अपनी लाइफ में लाना है। और इस डेथ की एनर्जी, इस रिलीज़ की एनर्जी से जो भी पास्ट की जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जिस वजह से आप परेशान हो, तो वहाँ पे एक मैं आपको ब्लेस्ड कर रहा हूँ और आप उन चीज़ों को रिसीव करें खुद पर कंट्रोल करके, लोगों की बातों पे ध्यान ना देकर, अभी समय क्या कह रहा है उस चीज़ पे ध्यान ना देकर, अपने आप को एक आने वाले समय के लिए तैयार करें, जो कि आने वाला समय आपको एक गुड फॉर्चून और बहुत ही एक्साइटिंग कैरियर अपॉर्चुनिटी भी दे रहा हूँ, एक सिग्निफिकेंट जो आपके
मतलब आप एक लाइफ में एक ऐसी जगह पे होंगे जहाँ के जो भी आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक मनी से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो जैसे आप कोई परचेज कर सकते हो, कोई व्हीकल परचेज कर सकते हो, घर अपने लिए परचेज करते हो, अभी तक अगर आपका घर नहीं है या आप रेंट पे हो तो वो आप परचेज कर सकते हो। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपको कह रहा है कि ये समय का एक बदलाव, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करो। जो भी पास्ट में हुआ है, जो आपके साथ रिसेंटली अभी ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से आप बहुत सैड हो या परेशान हो या लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो उस सैड एनर्जी से बाहर निकल जाओ, ठीक है। और मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ और अपनी उस अपॉर्चुनिटी पे फोकस फोकस करो जो मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान दो, ठीक है। और एक मतलब एक समझदारी के साथ एक अपने जीवन में आगे बढ़ो। जो पास्ट की एनर्जीज हैं उसमें सैड होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ आपके साथ पास्ट में हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई हैं, लोगों ने कुछ ऐसा कहा है, या आप कहीं नेगेटिव पीपल के बीच में फंस गए, या कुछ इस तरह से आपकी चीज़ आपकी लाइफ में हुआ है जहाँ से आपको जो लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड पार्वती ही हैं, पार्वती माँ हैं, ये आपको ब्लेस कर रही हैं कि मैं उस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलने का एक मौका दे रही हूँ, मौका दे रहा हूँ, तो आप उसे रिसीव करें। देखिए यहाँ पे आप किसी भी धर्म से को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये मैसेज हमने शिव जी की तरफ से बनाया हम, लेकिन आप अपने अपने गुरु, अपने लॉर्ड, जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी तरफ से ले लीजिए। अगर आपको ऐसा यहाँ पे कोई धर्म का किसी भी तरह का कोई भी एक किसी तरह की वो चीज़ ऑब्लिगेशन नहीं है, आप प्लीज़ इस मैसेज को बिल्कुल नॉर्मल होके लें कि आपकी ये जो लॉर्ड शिवा है, पार्वती हैं, आपके जो भी गॉड है, वो आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ नेगेटिविटी हुई है उसके लिए बड़ी समझदारी के साथ अब मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, उसे रिसीव करें। यही टाइम है अपने अंदर एक बदलाव लाने का, ठीक है। और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी ये आपको देखो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे किसी को ना बहुत हिम्मत दिखानी पड़ेगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसा हुआ है जैसे उसे लग रहा है कि मेरी कहीं ना कहीं मैं जो है बहुत आप सैड एनर्जीज में उस वजह से जा चुके हो, तो आपको कहा जा रहा है कि समझदार बनो, बोल्ड बनो, करेजियस बनो और एक फैसला लो और इस अपॉर्चुनिटी जो हम तुम्हें दे रहे हैं इसे रिसीव करो। और मतलब ये जो भी आप अपने लिए सोच रहे हो, जो भी अपना कैरियर के बारे में आप सोच रहे हो, तो अपने कैरियर के लिए आगे बढ़ो और यही एक समय है एक्शन लेने का, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से जहाँ से आपको लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि अभी यही टाइम है यहाँ से निकलने का, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से हम दो कार्ड लेंगे आपके लिए। थैंक यू। आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, वेरी नाइस। साउंड इन योर पावर, बी ट्रू टू योर सेल्फ। देखो अपनी पावर, जो भी ईश्वर की तरफ से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो पावर मिल रही है, जो एनर्जीज मिल रही है, अपनी पावर पे ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें। दूसरों की बातों पे आने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे क्या बोलते हैं उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और क्या हुआ है जो पास्ट में वो चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा, अगर ये आपको रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ इस एज एडवाइस को ज़रूर ले। रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शंस व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए अपने बारे में, आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो, गॉड का, एंजल्स का, ईश्वर का आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। जो भी हुआ उस चीज़ को आप लेट गो कर दें, ठीक है। और अपनी आप के बारे में सोचे, अपने लिए आगे बढ़े जीवन में। अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी रही हैं वो आपके कैरियर से रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि हो सकता है कैरियर से रिगार्डिंग आपको कहा जा रहा हो कि अपने कैरियर पे फोकस करें और आगे बढ़े जीवन में, ठीक है। मुझे यहाँ पे कैरियर के लिहाज से ज़्यादा दिखा जा रहा है, किसी इमोशनल वूंड से बाहर निकलें और अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें। चलिए यहाँ से भी लॉर्ड शिवा और पार्वती की तरफ से आपको क्या मैसेज है। ओके,
तो यहाँ पे डायना का कह रहा है फोकस इंटेंशन, मतलब ऐसा है यहाँ पे आपके इंटेंशंस जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव तौर से होने चाहिए। अब आपको ना इस जो आपने ये रिलीज़ की है नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने को आपको कहा गया है, तो इस एनर्जी से आपको रिलीज रहना है। जो भी नेगेटिव पार्ट है आपकी लाइफ का, जो भी नेगेटिव पीपल है, जो भी नेगेटिविटी आपके खुद के अंदर है या जो भी है, जो भी आपने, ये एक ऐसा समय आपका बदलाव हो रहा है जहाँ पर ईश्वर आपको कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ देगा, जहाँ पर आपको ये चीज़ें रिलीज़ करी हैं। तो अब जो है ना जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगे इनमें आपकी इंटेंशंस एकदम क्लियर होनी चाहिए। थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, अब जो भी आप अपनी इच्छा करो उसके बारे में अच्छे से सोच समझ के करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपसे आपकी जो कोई ऐसी इच्छा, ऐसी कोई डिज़ायर थी जो आपके लिए आपका नुकसान, उस डिज़ायर की वजह से आपको कहीं नुकसान हुआ है या वो डिज़ायर आपके लिए अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो सेट योर साइन हाई एंड साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, ठीक है। तो अब जो है ना अपने अपना एक फोकस बनाना है, एक राइट डायरेक्शन की तरफ पॉजिटिव इंटेंशन रखकर और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। जो भी हुआ है उस चीज़ से एक सीखो, लर्न करो कि अब मुझे किसी भी तरह से, इस तरह से कोई भी नेगेटिव डिज़ायर नहीं रखनी है या नेगेटिव थॉट नहीं रखना है या नेगेटिव पीपल से दूर रहना है और एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कैरियर के उसमें और भी जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ, उन्हें रिसीव करो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कार्ड है सेल्फ इज बे का, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हेयर। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंक्रोनाइजेशन में कार्ड निकल रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा और पार्वती आपको कह रहे हैं कि एक डार्क साइड आपकी लाइफ का रहा हुआ है, एक नेगेटिव साइड आपकी लाइफ का रहा हुआ है। अब उस नेगेटिव साइड से निकलने का समय आ चुका है। मैं जो भी आपको पॉजिटिव, आप अपने बारे में समझो एक्चुअली आप क्या हो, आपकी सोल इस अर्थ पर किस पर्पज से आई है, आप एक्चुअली अंदर से किस तरह के पर्सन हो, तो उस चीज़ को समझो, अपनी वर्थ को समझो, अपने ट्रू सेल्फ से मिलो और इस डार्क साइड, इस नेगेटिव लोग पीपल, जो भी एक नेगेटिव पार्ट था आपकी लाइफ का, उससे बाहर निकलो। नेगेटिव जो भी आपके अंदर कोई ऐसी इसे कहते हैं ना, हमारा एक फियर, एक डर, एक हमारे अंदर कोई कमज़ोरी होती है जो हमें बार बार हम पर कभी कभी हम पे इस तरह से हावी हो जाती है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन सारी साइड से जो भी हुआ आपके साथ उससे बाहर निकलो और अब अपने ऊपर ध्यान दो और अपने ट्रू सेल्फ से मिलना, अपने आप से मिलना। रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि मैं कौन हूँ, क्यों इस अर्थ पे आया हूँ और मेरा वजूद क्या है। मेरा हमेशा ग्राउंडेड बन के रहना, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं और जो भी डार्क साइड है उसको बिल्कुल बिल्कुल रिलीज करने को कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या रेमेडीज है, ठीक है। रेमेडीज हम आखिरी में देखते हैं, ये आपके लिए एक्चुअली मैं शफल कर रही थी सबके लिए, एक एक सिंगल सिंगल रेमेडीज निकली। यहाँ पे मुझे आपके लिए दो कार्ड आए हैं रेमेडीज के लिए, ठीक है। अब ये कार्ड कहता है वट एवर पीपल डू फील थिंक और से डोंट टेक इट पर्सनली, अदर्स आर गोइंग टू हैव देयर ओन ओपिनियन अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ सिस्टम, सो वट एवर दे थिंक अबाउट यू इज नॉट अबाउट यू बट इट इज़ अबाउट देम, ओके। मैंने आपको कहा ना यहाँ कुछ ना कुछ आपके साथ पॉजिटिव नेगेटिव लोगों ने किया है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से लोग अगर कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, तो उसे उस तरफ आप बिल्कुल ध्यान मत दें, कुछ भी मत सोचें। क्योंकि याद रखें जब इंसान बोलता है तो बेसिकली वो अपने थॉट, अपनी फीलिंग्स, अपनी चीज़ें बाहर निकालता है, वो आपके लिए नहीं है, तो उसे पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, उस सैड एनर्जीज में जाने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कार्ड है हमारा द किस का, ये कहीं ना कहीं ईश्वर आपको कह रहा है कि परमात्मा की दी हुई इस अपॉर्चुनिटी, इस प्यार को फील करो, फील करो, क्योंकि तुम्हें कोई है जो बहुत प्यार करता है, तुम्हें कोई है जो तुम्हारी टेक केयर कर रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल बाहर आए हैं, हो सकता है आप आर्कएंजल माइकल की प्रेयर्स करते हो या आर्कएंजल माइकल आपको हर जगह से सेफ करते हैं। जब भी कहीं तुम फंस जाते हो किसी भी नेगेटिव एनर्जीज में, तो आर्कएंजल माइकल वहाँ आके आपको सेफ करते हैं, वो आपके साथ हमेशा हैं। आप उनकी प्रेयर्स कर सकते हो, आप उनसे ब्लेसिंग ले सकते हो, आप उनसे ये कह सकते हो कि मुझे अगर कहीं किसी सिचुएशन में आप फंसे हो तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हो, ठीक है। तो उस ईश्वर के प्यार को, उस पर उस पवित्रता से, उस जब जुड़ोगे ना आप अपने ट्रू सेल्फ से, तो आप फील कर पाओगे एक्चुअली प्यार क्या होता है। एक्चुअली प्यार
के बारे में समझाया गया है कि प्योर लव क्या होता है. वो जो प्योर लव होता है, एक एहसास होता है, एक फील होता है. उस फील को समझो जो कि आपको ना एक प्योरिटी के साथ अब प्यार करना है, एक प्योरिटी के साथ रहना है, परमात्मा के साथ जुड़े हुए रहना है, उसकी दी हुए इस रिवार्ड्स, इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करना है. अब अपने लाइफ में हमेशा इंटेंशंस प्योर रखते हुए आगे बढ़ते जाना है. लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है. जो नेगेटिविटी हो गई उसे रिलीज करो. आइंदा वो चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट मत करना, ठीक है. बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत ही फाइन मैसेज आपके लिए निकल के आया है. और यहाँ पे है स्वीपिंग चेंज स्पेल का एक और ब्लिसफुल बेड ब्लेसिंग. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चैंट नीचे लिखा है जिसको आपने करना है. और इस चैंट को आपने, आपके लिए जो रेमेडी है वो ये है कि आपकी लाइफ में एक मैजिकल चीज़ होगी, ठीक है. तो यहाँ पे है स्वीप आउट ऑल द बैड, स्वीप आउट ऑल इल, वेयर आई डू द लेडीज विल, बेसम बेसम लेडी इज ब्रूम, स्वीप आउट डार्कनेस, स्वीप आउट धूम. देखो वही चीज़ है. ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ना किसी की वजह से कहीं उलझ गए हो, किसी नेगेटिव इंसान के साथ, किसी नेगेटिव सिचुएशन के साथ आप कहीं ना कहीं तो आप अपने लाइफ में उलझे हो, जिस वजह से हो सकता है कि ये चीज़ मतलब आपके ऊपर आई हो या आपको उस चीज़ का भुगतान देना पड़ा हो. जो भी है, आपसे जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है. अगर आपको कोई फिज़िकली हेल्थ इशू है, किसी तरह का भी कोई भी फिज़िकली आपकी इस वक्त प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस फिज़िकल इशू से बाहर निकलने के लिए ये रेमेडीज़ हैं. तो आपने करना क्या है, इस लाइंस को दोहराना है, ठीक है. मैं इसको चैंट करना है, ठीक है. और अपने जब भी आप बेड पे जाते हो तो ये चीज़ें आपने, ये दो चीज़ें आपके आपने ना, ये दो रेमेडीज़ हैं आपके लिए. आपने इन दोनों रेमेडीज़ को करना है. मैं दोनों ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपके लिए दोनों, ठीक है. पाइल वन करके मैं लिखा होगा और पाइल वन की रेमेडीज़ लिखा होगा. तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसको, इन इस जो लाइंस हैं इनको जब भी आप बेड पे सोने जाएं तो इन लाइंस को दोहराएं, ठीक है. एक और रेमेडीज़ है जैस्मिन ऑयल और जो अपना जैस्मिन ऑयल और वन कप मिक्स एंड वन टीस्पून ऑफ रोज़ ऑयल, ठीक है. तो ये जो आपने हाफ टी स्पून रोज़ ऑयल लेना है, हाफ टी स्पून जैस्मिन ऑयल लेना है, ठीक है. इसको कॉटन, इसके अंदर कॉटन को भिगो के जो भी बेडशीट, जो भी ब्लैंकेट या जो भी आप अपने ऊपर ओढ़ते हैं उसके ऊपर एक थोड़ा सा टच करना है. और आपने फील करना है कि ये अब मैं सोने जा रहा हूँ और मैं एक बहुत सुकून से हूँ, मैं अपने आप में कंफर्टेबल हूँ, मेरे इस बेड में मुझे बहुत सारी सुकून है, प्यार है, सारी चीज़ें हैं, मैं एक कंफर्टेबल नींद लेने जा रहा हूँ. हो सकता है कि अभी किसी टेंशन में हो, आपसे वो आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, आप कोई हेल्थ इशू है या कोई फिजिकल किसी भी तरह का कोई इशू है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो चीज़ें आपकी ना रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी. अगर ये चीज़ आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ डू इट रेमेडीज़. और इसके नीचे कुछ चैंट रेमेडी लाइन्स लिखी हैं, उन लाइन्स को आपने दोहराना है, ठीक है. तो मैं ये दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगी. और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं भी पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने, आपके लिए रेमेडी क्या है. आपके लिए रेमेडी ये है कि आप सिंपली जैस्मिन ऑयल और रोज़ ऑयल को मिक्स करें और उसको अपनी चादर, अपनी बेड पे कॉटन बॉल से थोड़ा सा लगा दें सोने से पहले. और ईश्वर से प्रेयर करें कि मैं बहुत खुश हूँ अपने इस बिस्तर पे, बहुत सुकून से हूँ और मुझे पता है कि आप मेरे लिए बहुत सब अच्छा कर रहे हो. मैं किसी भी नेगेटिव थॉट से अब दूर होना चाहता हूँ, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से दूर होना चाहता हूँ. मेरे अंदर अब जो भी नेगेटिविटी है वो मुझ पर हावी नहीं होगी और मैं अब बिल्कुल समझ चुका हूँ. और जीवन की अच्छी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं जो आप मुझे देने जा रहे हो, जो मुझे मिल रही हैं, मैं उन्हें रिसीव करने के लिए रेडी हूँ. और मैं आप पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैंने अपने आप को आपके आगे सरेंडर किया है और अब आप सो जाओ, ठीक है. तो आप देखोगे कि आपको एक बहुत अच्छी नींद आ रही है और स्लोली स्लोली वन वीक के अंदर, टू वीक के अंदर मैं आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना एक चेंज आता हुआ दिखेगा. आप बहुत खुश हो, आप रियल में आपका एक मकसद चेंज हो चुका है, आपका एक फोकस चेंज हो चुका है और इस नेगेटिविटी से आप बाहर आ चुके हो.
ओके डियर, सॉरी ये कुछ गिर गया, ठीक है। तो अब ये रेमेडी जो आपके लिए मैंने रीडिंग की है, होप ये रीडिंग आपके काम आई हो। ये रेमेडी भी आपको बहुत, मैंने ये ब्लेस करके ये रेमेडीज यहाँ पे रखी हैं, तो इस रेमेडी को ज़रूर करिए क्योंकि इसमें मेरी ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच पायलवान, होप ये इस शिवरात्रि पे आपके आपके जीवन में, आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, ठीक है, और हेल्थी वेल्दी रहो। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच पायल टोल, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए शिव पार्वती का आपके लिए क्या संदेश है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कुछ ओरेकल कार्ड्स पहले से निकाल रखे हैं, तो आप ये हम आखिरी में देखेंगे। पहले आपके लिए कुछ टैरो डेक से हम कार्ड्स देख रहे हैं, तो वो यहाँ से इस डेक से मैं लूँगी, कुछ और भी डेक यूज़ करेंगे, और ठीक है। तो यहाँ पे हम शिव पार्वती का क्या आपके लिए संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये लेना चाहेंगे। तो गाइस, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, यहाँ किसी भी उस चीज़ इसमें, इन मैसेजों में कोई भी किसी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं है। आप उन गुरु, उन गॉड की तरफ से जिस भी एनर्जी को आप पूछते हो, जिस भी गॉड को आप पूछते हो, उनकी तरफ से आप ये मैसेज समझ लीजिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, पाइल टू, और सेकंड कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है। चलिए तीन कार्ड आया, हमें सिर्फ दो कार्ड चाहिए, तो देखते हैं कि क्या मैसेज है श्री पार्वती का आपके लिए, क्या मैसेज है। ओके, तो आपके लिए कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, फिर है हमारा क्यून ऑफ पेंटिकल्स का, फिर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का, और देन है एट ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। चलिए, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे पाइल टू, जहाँ पे मुझे लॉर्ड शिवा और पार्वती की तरफ से आपको जो मैसेज दिख रहा है, वो ये है कि शायद मनी रिलेटेड किसी रिसोर्सेज के लिए, मनी के लिए आप ना काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन मनी में आपकी, मुझे यहाँ पे क्योंकि ये जो सेवन ऑफ पेंटिकल्स है और ये जो क्यून ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं मुझे ये कह रहा है कि आपकी मनी इशू जो है ना यहाँ पे बहुत सारे हैं, जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि आपकी चीज़ें किसी तरह से भी ना हो नहीं पा रही है, बहुत वेट चल रहा है मनी का, जैसे कोई चीज़ें आपकी एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, मनी इशू मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की तरफ से आपको क्या मैसेज है कि आपको ना अपने ऊपर ना एक तो पहले, सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाना है,
क्योंकि आप जो ये फील करते हो कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इस सिचुएशन के आगे मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो याद रखो कि आपके पीछे एक गॉड का, आपकी खुद की अंदर की इंटेलिजेंटी का, या आपके अंदर जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है उस पर पहले सबसे पहले भरोसा करो, ठीक है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको ऐसे लगता है कि मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले ये जो किंग ऑफ वैंड्स कहता है, ये किंग ऑफ वैंड्स मुझे आपकी एनर्जी बता रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि आपके अंदर एक मैजिकल लीडरशिप रोल है और एक ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको ना फील करनी है, अपने ऊपर एक भरोसा करना है, क्योंकि तुम जो जिस तरह से देख रहे हो, वो नज़रिया आपका, जिस तरह से आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या जिस तरह से आप मनी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, या अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हो ऐसी सिचुएशन में, तो उसके लिए आपको पहले अपने आप की, अपने लाइफ की जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, एट ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कह रहा है कि एट जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसे ख़त्म करनी है। आपको ये सोचना है कि क्या वजह है कि मेरी ये चीज़ें जो हैं बार बार रुक जाती है, काम होते होते जैसे किसी के ना रुक जाते हैं, या आपने कोई कैरियर स्टार्ट किया तो वो कैरियर पूरी तरह से आपको फलित नहीं हो पाता है, या आपने कोई काम शुरू किया तो जैसे बीच में कोई ना किसी तरह की वो आ जाती है, मतलब कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। तो जो भी आपको मनी को लेके इल्यूजन्स है ना, वो जो भी आपके अंदर अपने ऊपर सेल्फ डाउट है ना, उसे ख़त्म करना होगा। इस एट ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्लियरली बता रहा है कि ये चीज़ें आपकी ना रुक रुक रही हैं या रोकी जा रही हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और आपको ये फील करना पड़ेगा कि आपको ना, देखो यहाँ पे है कि द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटी, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है कि तुम किसी भी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें कह रही है कि तुम्हारे अंदर ही वो एबिलिटी है कि तुम उस चीज़ से पैसे को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लव ऑफ फैमिली एंड होम, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपनी जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जुड़कर आप एक लाइफ में बहुत एक मैजिकल एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो। बी प्रैक्टिकल अबाउट हाउ यू प्रोसीड, लव ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, ए सेंसिबल अप्रोच, मतलब आपको ना आपके अंदर ही वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, आसपास की डिस्ट्रैक्शंस दूर करनी है, लोगों द्वारा या किसी ना किसी चीज़ द्वारा आपकी वो चीज़ें ना बार बार रुक रही हैं, जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस रखी है, वो मनी आपकी लाइफ में क्रिएट नहीं हो पा रही है। आपको मनी इशू मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसके लिए आप बार बार चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइफ की एक डेली 24 आवर्स की नीड्स भी आपको कभी पूरी करने के लिए आपको मनी जो है वो प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मनी के दो कार्ड आए हैं, मनी रिलेटेड दो कार्ड आए हैं, जिसको जो स्टेबिलिटी जिसकी आपने काफ़ी पेशेंस रखी है, पर वो और स्ट्रेंथ का कार्ड भी है जो कह रहा है कि बहुत सारे चैलेंज इसके मनी से रिलेटेड आपको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कैरियर में भी, अगर आप देखना चाह रहे हैं, अगर कैरियर में आपको ये चीज़ें फेस हो रही हैं बार बार, आपका कैरियर स्टेबल नहीं हो पा रहा है, चीज़ें स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, तो उन्हें आपको कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा और पार्वती कह रहे हैं कि आपको पहले अपनी लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस दूर करनी पड़ेगी, अपने खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा करना पड़ेगा, अपनी फैमिली, अपने अपनों पे और आसपास के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर एक बड़ा मैजिकल क्रिएशन आप कर सकते हो, क्योंकि जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है किंग ऑफ वैंड्स का, जो आपको कह रहा है कि मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, ठीक है, और एम्बिशियस, देयर इज ए लीडरशिप रोल, स्टॉप इन टू द स्टॉप स्पॉटलाइट, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर आईज ऑन द बिग पिक्चर, कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिबल टू क्रिटिसिज्म, मतलब आप किसी भी नेगेटिव थॉट में फंसने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर भरोसा करें, अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा करें और आगे बढ़ें, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बिग पिक्चर है, तुम अभी बहुत छोटे चीज़ चाहते हो कि कुछ अमाउंट हो जाए, कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके लिए एक बिग पिक्चर यहाँ पे कही गई है कि आपके लिए एक बिग पिक्चर है, बस आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस करना है, अपनी क्रिएटिविटी पे भरोसा रखना है, जो आप कर रहे हो उस पे भरोसा करना है, खुद से वर्क करना है और अपनी लाइफ की सारी डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है। जहाँ भी, जिस पार्ट में आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है उन चीज़ों की वजह से, मैं इस चीज़ की क्लेरिफिकेशन ले लेती हूँ कि एट ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या कहना चाह रहा है, क्या डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में जिस वजह से आपकी लाइफ में मनी क्रिएट होते हुए बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये जो कार्ड है ये हमें कहता है कि टाइम ऑफ ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियली सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पर्टी, द मिडास टच एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, द बॉटम ऑफ द डेक है स्टार। आपको ना मनी से रिलेटेड कोई भी टेंशन यहाँ पे खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक बिग पिक्चर क्रिएट हो रही है। जो भी गॉड आपके लिए कर रहा है वो बहुत अच्छे से कर रहा है। आपको खुद पे और गॉड की क्रिएटिविटी, गॉड की टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। आपको किसी भी गलत डिस्ट्रैक्शंस में, गलत फैसले में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ आपके पास आपकी फैमिली, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी स्पोस का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट है। आप उस सपोर्ट के साथ, उस चीज़ों के साथ अपनी फैमिली, क्योंकि यहाँ भी फैमिली के लिए कहा गया है, और आप देख रहे हो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं जैसे किसी को कहा जा रहा है कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपनी, क्योंकि यहाँ देखो सोलमेट कनेक्शन की एनर्जीज आ रही है, कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग, ये कहीं ना कहीं हमें एक इशारा कर रहे हैं जैसे आपको अपनी ही फैमिली, अपने परिवार के साथ मिलकर ही कुछ वर्क करने हैं, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है, और आपको ये भरोसा रखना है कि गॉड, परमात्मा, ईश्वर, स्टार की एनर्जी है। आप एक स्टार सेड हो, आपको एक बड़े काम करने हैं, बड़ी चीज़ें क्रिएट करनी है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, वो ख़त्म नहीं हो रही है, जिस वजह से अभी मनी जो है आपकी ना रोकी गई है, और ये जो मनी है ये आपको फ्लो में आएगी। बहुत आपका ये पेशेंस लेवल भी आपको मिलेगा, आपकी हार्डशिप जो लेवल है वो आपको मिलेगा। आपको इमोशनली मैच्योर होना है, और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और अपने परिवार के साथ एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, जो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से एक, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप खुद समझ सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आपका डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिस वजह से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ये जो कहता है कि हैव फेथ, द फ्यूचर इज ब्राइट, ड्रीम्स कम ट्रू, पॉजिटिव चेंजेस दैट ब्रिंग एन एंड टू चैलेंजिंग टाइम्स, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ओके। तो देखो यहाँ उसके नीचे भी अगर आप देखोगे तो विला फॉर्चून का कार्ड है, जैसे किसी का समय का, ये एक समय था जो आपके ऊपर आया, जिस समय ने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए, बहुत कुछ सिखाया। अब आपको यहाँ पे अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ जुड़कर, अगर आप अनमैरिड हो तो भी, मैरिड हो तो भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिड वाइब्स इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। किसी को अपने स्पोज, अपने सोलमेट कनेक्शन के साथ मिलकर एक बड़ा बिग पिक्चर क्रिएट करनी है। ये जो चैलेंज है आपकी लाइफ में, ये बहुत छोटी बात है, ये आपके अंदर ही इतनी पावर है कि आप मनी क्रिएट करना आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है डियर। क्योंकि यहाँ पे मुझे मनी इशू ज़्यादा आ रहे हैं, तो दैट्स वाई मैं मनी की ही बात करूँगी। तो लॉर्ड शिवा की तरफ से आपको मनी के लिए ही मेन मैसेज है। अगर ये पाइल आपको रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ आप इसे सुने, नहीं तो आप किसी और पाइल के लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे इस डेक से लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड आपका आया है लॉर्ड वर्सिल का, ठीक है। यहाँ पे ये कहते हैं कि एक्सेप्ट एंड एंड हीलिंग, यू आर ए बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। आपकी हीलिंग जो है अब कंप्लीट हो चुकी है, और जो आपका समय था, जो भी हील हुआ है और जो वो तुम्हें देना चाहता है उसे आप एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें लाइफ में, ठीक है। सेकंड कार्ड है आर्कएंजल मेलरी का, ठीक है। रिमेंबर हु, ये फर्स्ट पाइल में भी यही सेम कार्ड आया था, रिमेंबर हु यू आर एंड टेक एक्शंस व्हेन यू आर रेडी। तो आपको ना जब फील हो कि मेरी लाइफ में अब समय आ गया है एक्शन लेने का, तो आप प्लीज़ उस एक्शन को ले, जिस एक्शन को आपको लेने को कहा जा रहा है, ताकि आप जब वो एक्शन लोगे तो आपकी ये डिस्ट्रैक्शन सारी खत्म होंगी। जब ये इस पार्टनरशिप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मुझे दिख रही है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, तब मनी अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। तो बहुत ही सुंदर मैसेजेस मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, आई होप कि ये मैसेज आपको रेजोनेट करें और ये गाइडेंस आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और प्रॉस्पर्टी लाए। चलिए देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड पार्वती आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।
ओके यहाँ पे है लाइफ फोर्स, ठीक है, एक्सप्रेस योर डिवाइन डिवाइनिंग पैशन, सेक्सुअल एंड सेंसुअल पावर्स आर इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को बहुत सारी पावर, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी आप अपने अंदर एक पावर महसूस करते हैं, जो भी अपने अंदर आप एनर्जी फील करते हो, उन एनर्जीज़ को हमने पॉजिटिवली यूज़ करना है और अपने अंदर इंक्रीज़ करना है, क्योंकि वो जो एनर्जीज़ हैं वो ही आपके जीवन में बहुत सारी एबंडेंस का क्रिएशन करेंगी। क्योंकि अगर हम जब अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये कार्ड हमें कहता है कि डिवाइन आपको फोर्स कर रही है, वो शक्तियां, वो एनर्जीज आपको फोर्स कर रही हैं, आपको कह रही हैं कि उस किसी नेगेटिव चीज से आपको निकल कर आपको पॉजिटिवली उस एनर्जी का यूज करना है, ताकि आपकी लाइफ में इस तरह की एबंडेंस मैनिफेस्ट हो। एबंडेंस तो आपके लिए है डियर, क्योंकि बहुत सारी एबंडेंस मुझे यहां पर दिख रही है, ठीक है। यहां पर सेरेपिस बे का कार्ड का आर्कएंजल का कार्ड है, जिन जो कहते हैं मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज योर। ये दोनों सेम कार्ड पाइल वन में भी निकले थे इस डेक से, वही दोनों कार्ड आपके लिए आए हैं, ठीक है। ये डेक, ये कार्ड भी आया था और ये कार्ड भी आया था। हो सकता है कि आपको पाइल वन भी सुनने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ आप उसको भी सुनिए, हो सकता है उससे आपको कुछ गाइडेंस मिले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन फोर्स आप पे है, ये डिवाइन फोर्स इसलिए आपके ऊपर, आपके स्पिरिट्स, आपके जो गाइड्स हैं, वो इसलिए आपको फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी ही चीज़ को, आपकी पड़ी है, आप उसे ले नहीं पा रहे हो। आपकी बहुत सारी एबंडेंस, खुशियाँ हैं, सुकून है, आपको अपने सोलमेट कनेक्शन के एक्चुअली ट्रू सेल्फ से मिलना है, आपको एक्चुअली अपनी जो ट्रू सेल्फ है ना, उसके साथ मिलना है। कहीं ना कहीं उसका वेट चल रहा है, दैट्स वाई अबंडेंस रुकी हुई है। अबंडेंस अभी तक आपके लाइफ में बहुत सारी, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में थी, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूँ, तो ये कार्ड आपको कहता है टेक चेंज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो मतलब यहाँ पे है कि आपको ना एक ऐसा बिग चेंज, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे मनी की कोई इशू ही नहीं है, इतना मनी आपका रखा हुआ है, लेकिन आपको कुछ एक एक्शन लेना है, जिस एक्शन के बाद आपकी लाइफ में एक अबंडेंस है, प्रॉस्पर्टी है, और आपने एक लीड, लाइफ को एक लीड करना है। जैसे कैरियर में आपने ना एक बड़ा काम करना है, उस कैरियर के थ्रू आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस, बहुत सारी सोशल वर्क्स, इस तरह से कुछ आपको करने को कहा जा रहा है। क्योंकि बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत सारी स्टार एनर्जी, स्टार सीड एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, सही तरीके से मैनिफेस्ट करनी है, उस ईश्वर की गाइडेंस को समझना है, क्योंकि वो गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत देर से मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। बार बार उस चीज़ में आपको चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में कोई एक पॉजिटिव एक्शन लेना है, और ये डिवाइन आप पर इस वक्त इस तरह के मनी को जो ये रोका जा रहा है, ये बेसिकली आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इस एक्शन को जल्द से जल्द लें, ताकि आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ को लीड करें, जो एक्चुअल आपका जो डिजर्विंग लाइफ है वो आप उसे रिसीव करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो हमने ओरेकल कार्ड्स आपके लिए लिए थे, वहाँ से क्या कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द मिरर का, ठीक है, और जो सेकंड कार्ड है हमारे पास है अनिमा मुंडी, ठीक है। ये दो कार्ड्स हैं हमारे पास, मैं इसे यहाँ पे रख लेती हूँ, ठीक है। और ये रेमेडी है, ये हम बाद में आखिरी में इसको लेते हैं, रेमेडी में क्या कहती है, पहले हम इस पे ले लेते हैं कि ये कार्ड में क्या कह रहा है। ये कार्ड जो है ये कह रहा है प्रैक्टिस मेक्स द मास्टर, ठीक है। तो ये कार्ड में हमें कह रहा है कि बाय डूइंग योर बेस्ट ओवर एंड ओवर यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज डूइंग योर बेस्ट, ठीक है। द हैबिट्स ऑफ मिस यूजिंग योर वर्ड, टेकिंग थिंग्स पर्सनली एंड मेकिंग एजम्पशंस विल बिकम वीकर एंड लेस फ्रीक्वेंट विद टाइम। देखिए यहाँ पे ऐसा है, देखो यहाँ पे भी मैंने इस कार्ड से भी यही चीज़ आ रही है लाइफ फोर्स की वजह से, कि ये जो लाइफ आप पे इतना फोर्स कर रही है किसी नेगेटिव थॉट से, किसी नेगेटिव एनर्जी से, आपके पास जब एनर्जीज होती हैं आप उसको बार बार करते हो, लेकिन चीज़ें आपकी फुलफिल नहीं होती हैं, क्योंकि आप जो है ना
उसको कहीं ना कहीं उन एनर्जीज का, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उन एनर्जीज का आप मिसयूज कर लेते हो, आप कॉन्शियसली या सब कॉन्शियसली आपसे जो भी मिस्टेक हुई है उन चीज़ों को, अगर कोई भी कोई आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो आप अपनी एजम्पशंस ना बनाएं, उस उन चीज़ों को पर्सनली मत लें। अगर आपको किसी का भी किसी चीज़ का भी बुरा लगता है तो उसे पर्सनली ना लेते हुए आप अपनी एनर्जी का मिसयूज़ ना करें। यहाँ पे आपको गाइडेंस है और कहा जा रहा है कि इस वजह से आप दिन ब दिन आप जो है ना वीक होते जा रहे हो और आप अपनी एनर्जी से ऐसे दूर होते जा रहे हो, जो पॉजिटिव एनर्जी से उसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है। दूसरों की वजह से या किसी और की वजह से भी अपनी एनर्जी वीक ना करें, क्योंकि यहाँ पे हमें जो मिरर का कार्ड है वो भी यही कहता है कि हम जो मिरर में जो देखते हैं वही हमें दिखाई देता है, जैसा हमारा इमेज होता है वैसा दिखाई देता है। तो हमको ना मिरर के अंदर एक जैसे कोई अभी हमें ना जो दिखाई दे रहा है ना वो सच नहीं है, एक्चुअली हमें आपको अपना मिरर जो है अपने अंदर झांकना है, अपने इनर सोल के अंदर झांकना है, क्योंकि ये मिरर जो है ना आपको कुछ गलत दिखा रहा है, आपको कुछ गलत एजम्पशंस दे रहा है, ठीक है। तो आपके अंदर इनर सोल को झांकना है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रू सेल्फ से मिलने का कार्ड है, क्योंकि समय कभी भी, ये जो एलिमा मुंडी का कार्ड है ये भी हमें यही कहता है कि किसी के लिए कि गॉड और यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, लॉर्ड शिवा और पार्वती का मैसेज है कि कोई भी जब मेरे पास आता है अपनी गलतियों का सुधार करता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है, चाहे वो दिन हो रात हो, गरीब हो अमीर हो, कैसी भी स्थिति में हो, यहाँ पर वो कुछ चीज़ मैटर नहीं करती है। यहाँ मैटर करता है कि आपको अपनी कमियाँ, अपनी फियर्स, अपनी चीज़ों का अनुभव होना, एहसास हो जाना। जैसे ही तुम उन चीज़ों का एहसास करते हो तो तुम अपने आप से मिरर करते हो, अपनी इनर सोल से मिरर करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि मैं कितना एनर्जेटिक हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। मनी एक बहुत ही छोटा इशू है, आपको यहाँ पे बिग पिक्चर देखने को कहा जा रहा है। अभी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो एक बहुत छोटी बात है, वो तो आपके पास ऑलरेडी है, बस वो चीज़ें इसलिए रुकी हैं क्योंकि आपको कोई चीज़ कोई एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, कहीं चीज़ आपको कुछ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। नेगेटिविटी से दूर होने की ज़रूरत है, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आपकी चीज़ें हो, ठीक है। हाँ तो पायलटू, थोड़ी देर के लिए हमारे यहाँ लाइट चली गई थी तो इसलिए मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो मैं आपको यहाँ क्या बोल रही थी कि आपको ना ये जो भी कैरियर और मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना वो आपके पास हैं डियर, वो आपकी रखी हुई हैं, वो आप ही की एनर्जीज हैं और बहुत हाई लेवल, और मनी कमाना आपके लिए बहुत इजी है। जैसे किसी के लिए मनी क्रिएट करना बहुत इजी है, ठीक है। आपको कोई एक्शन लेना है अपनी लाइफ में और एक्शन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स को जो मैं देख रही हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जिनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, वहीं पे कुछ ऐसी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो मुझे आपकी फैमिली से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं और आपको ना उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है, उस डिस्ट्रैक्शन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उस डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए जो भी आपको एक्शन लेना है प्लीज़ आप उसे लीजिए। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और आपके लिए स्टार की यहाँ पे देखो ये स्टार की एनर्जीज हैं। और जब हमने पहले डेक शफल किया था तब हमारे पास किंग ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी थी क्लियरेंस कार्ड से पहले। तो ये सारी एनर्जीज मुझे कह रही हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक राइट एक्शन मैनिफेस्ट करना है। मनी आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये चीज़ें डिलेस होते जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है जस्ट बिकॉज आपका एक्शन लेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अलिमा मुंडी भी हमें यही कहता है कि आपको अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें रियलाइजेशन करके ईश्वर के आगे सरेंडर करना। और ईश्वर कह रहा है कि मेरा जो दरबार है, किसी भी गरीब अमीर, किसी भी एज और कोई दिन हो रात हो, आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हो, उस एक्शन को लेने के लिए सरेंडर कर सकते हो। मैं आपके लिए यहाँ पे वो सारी जो चीज़ें जो आपके लिए यहाँ पे प्रॉस्पर्टी और अबंडेंस पड़ी है मैं आपको देने के लिए रेडी हूँ। बस आपको अपनी ही अंदर मिरर करना है, अपने इनर सोल से मिलना है कि आप हो कौन, एक्चुअली हु यू आर का भी यहाँ पे कार्ड आया है। आपको अपने आप से मिरर करना है,
अपने अंदर झांकना है, ठीक है। हमारे अंदर छुपी नेगेटिव पार्ट उस है, कभी कभी हमारी जो नेगेटिव बात एक चालबाज इंसान को ऊपर ले आते हैं, और जो हमारे अंदर की गुड पॉइंट्स होते हैं वो नीचे दब जाते हैं। तो उन गुड पॉइंट्स को ऊपर लाना है और उस नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव पर्सनैलिटी को हमें साइड पर रखना है। तो यही मुझे एक दिख रहा है, होप ये मैसेज आपको काम आए और आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आए, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं मुझे क्लियरली सिंक्रोनाइजेशन में दिख रहे हैं। तो आपके लिए रेमेडी क्या है, यहाँ पे है मिंटिंग मनी, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे मनी का ही सारा दिख रहा था और आपके लिए रेमेडी भी मनी से रिलेटेड ही आई है। तो वो रेमेडी क्या कह रही है, वो रेमेडी कह रही है कि आपको ना कहीं ना कहीं क्या करना है, एक पानी बॉईल रखना है, ठीक है। और जो अपनी चाय की छन्नी रहती है ना, उसके अंदर कुछ मिंट की, जो मिंट है ना, मिंट की पुदीने की टहनियाँ आती हैं जो, उसको रख देनी है, पुदीने के पत्ते और टहनियाँ, ठीक है। और फिर उस गर्म पानी को आपने उस छन्नी में ऐसे छान देना है, फिर उस पानी से ना अपने अंदर उस फ्लेवर को ना अपने लंग्स तक उसको फील करना है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो रेमेडी है वो आपको कह रही है कि ऑफ मिंट एंड पुट दम इन द टी पॉट बॉयल वाटर फॉर द टी, ओके ओके। तो फिर यहाँ पे कुछ आपके लिए ना लाइन्स हैं कुछ, ठीक है। उन लाइन्स को आपने दोहराना है, फील करना है, फिर उस जो आपकी जो जो भी आपने ये जो प्रोसेस किया है, इस मिंट को आपने उसको जो अपने लंग्स तक लेने का, उसे फ्लेवर को लेने का, उसे दो बार दोहराना है और फिर उसे एक अच्छे अल्टर की जगह पे रख देना है। फिर आप देखिए कि 24 घंटे में आप अपनी वन वीक के अंदर अंदर आप अपनी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये जो रेमेडी मैंने आपको बताई है, जो भी रेमेडी मैं आपको बताई है, ये रेमेडी जो है मैंने ब्लेस्ड करके ही निकाली है आपके लिए। तो प्लीज़ इस रेमेडी को कीजिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो आपकी लाइंस हैं, जो भी आपको चैंट करनी है इस प्रोसेस को करते हुए, ठीक है, वो मैं डाल दूँगी। आप इसे चैंट कीजिए और उसके मिंट के फ्लेवर को आप उसे अपने, जैसे आप फील करते हैं ना फ्लेवर्स को, उस खुशबू को अपने अंदर, तो उस खुशबू को अपने अंदर फील करना है, उसे एक बार नहीं दो बार इस प्रोसेस को दोहराना है, और फिर उसे एक अच्छे जगह पे जाके, मतलब एक अल्टर का जगह पे, कहीं ना कहीं जहाँ पे आप पूजा करते हो वहाँ पे आप इस पुदीने की पत्तियों को जाके वहाँ पे रख दें 24 घंटे के लिए, ठीक है, 24 आवर्स के लिए उसके वहाँ पे रख दें। उसके बाद आप देखोगे वन वीक के अंदर अंदर आपकी मनी इश्यू जो हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है डियर। क्योंकि ये जो रेमेडी है मैंने ब्लेस करके अपनी ब्लेसिंग के साथ और कहीं ना कहीं प्रेयर्स के साथ ये रेमेडीज आपके लिए निकाली है। तो होप ये रेमेडी आपके काम आए और आपके जितने भी मनी इशू हैं, कैरियर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग से, माँ पार्वती की ब्लेसिंग से आपकी ये जो है आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस है। ओके, थैंक यू सो मच पायल टू, गॉड ब्लेस यू। हेलो पायल थ्री, जिन्होंने भी ये रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है, चलिए आपकी वीडियो बनाते हैं। और इस पे मैं आपको लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती की तरफ से आपको मैसेजेस दूंगी और गाइडेंस दूंगी, और इसके लिए कुछ ओरेकल कार्ड्स मैंने निकाल रखे हैं, वो हम लास्ट में लेंगे। और गाइस, आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी गुरु को मानते हो, जिस भी लॉर्ड को मानते हो, ठीक है, आप उनकी तरफ से ये मैसेजेस ले सकते हो, ठीक है। और हम चलिए यहाँ की रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 3 की, जिन्होंने भी रेड कलर का स्टोन चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि लॉर्ड शिवा एंड पार्वती आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है हमारा वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वाओ, नेक्स्ट कार्ड है हमारा टेन ऑफ कप्स का। ओके, जब तक मेरी प्रेयर्स पूरी नहीं हो मैं कार्ड्स नहीं लेती, ठीक है, तो इसलिए मैंने वो कार्ड जो भी गिरे वो वापस रख लिया अंदर।
कि टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड पेज ऑफ वंड्स का कार्ड है। ओके फाइन, मैं एक कार्ड की क्लियरेंस लेने जाऊंगी यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो बॉटम ऑफ दी डेक है हमारे पास सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो लॉर्ड शिवा हैं वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे जैसे कोई ना अपनी फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी इमोशनली वूंड्स को हील करना चाहता है, और वो अपने बच्चों को, या अगर आप पेरेंट्स नहीं हो, अगर आप छोटी उम्र की हो, तो आप अपनी फैमिली में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके मदर फादर जो भी हैं, आप उनको बहुत सारी इमोशनली उनकी डिज़ायर्स पूरा करना चाहते हो, बहुत सारी इमोशनली वूंड्स हैं वो पूरा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ना अपने कैरियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके कैरियर में जितना आप दे रहे हो उतना आपको वापस नहीं मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही यहाँ पे बहुत ही कूल और बहुत ही सूदिंग एनर्जीज हैं, जैसे कोई काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पे स्ट्रगल कर रहा है लेकिन उसका रिटर्न बैक उसे नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हमें कहता है कि आप ना मतलब आपने बहुत कुछ लोगों के साथ किया है। यहाँ पे जैसे शनि का कार्ड भी अपीयर मुझे लग रहा है, जैसे शनि की एनर्जी यहाँ पे अपीयर दिख रही है, जैसे यहाँ पे जो शनि अपीयर हुआ है वो मुझे ये कह रहा है कि अब जो शनि है वो आपको एक, आपका एक टाइम पीरियड चल रहा था, आपकी उसमें एक लेसन पीरियड चल रहा था, आपका एक कहते ना आपकी लाइफ का एक टफ पीरियड चल रहा था, जो शनि ही एक कर्मा का साइकिल ऐसा आपका चल रहा था कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ दे रहे थे, जिसमें रिटर्न बैक नहीं आ रहा था, मनी की दिक्कत थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी की दिक्कत थी। आप चाहते हो कि मैं जो डिज़र्विंग मेहनत है, जो डिज़र्विंग पैसा है, जो डिज़र्विंग प्यार मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ों की आप ना मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, और आप खुद के लिए ही नहीं, आप एक्चुअली अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई बहुत ही इमोशनल पाइल दिख रही है जो अपनी अपने और अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी खुशियाँ क्रिएट करना चाह रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप अपनी इंट्यूशन, आप अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस जो भी आप लेते हो उन पे ना आप ना मतलब आप स्ट्रांग नहीं रहते हो, क्योंकि आप ना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं चीज़ों को ओवर एनालाइज करना और फिर उसमें कंफ्यूज हो जाना, क्योंकि आप जब देखो, अगर हम टू ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लेरिफिकेशन लें तो वहाँ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकला है, जो कि ये कहता है कि आप अपने आप में सक्षम हो, आपके हाथ में एक मनी क्रिएट करने का एक ऐसी मतलब जैसे होता ना कि हमारे अंदर एक आर्ट है, आप अपने आप में फुल फील हो, आपको इतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में, मनी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको अपनी हार्डवर्क लगातार करना है और चीज़ें गॉड के ऊपर छोड़ देनी है। और दूसरा, आपको लोग मिसयूज़ कर रहे हैं या आप कहीं मिसयूज़ हो रहे हो, तो आप वहाँ पे आप ना वहाँ पे फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे क्या करना है। आप इंट्यूशन सुनते हो लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उस इंट्यूशन को लेट गो कर देते हो, जो आपको नहीं करना है। जब आप नहीं करोगे इस टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से, क्यों ना पेंटिकल्स के, अपनी वर्थ करोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करोगे, अपने बारे में सोचोगे, और तो ये सारी चीज़ें आपके बारे में क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लॉर्ड शिवा और पार्वती माँ है वो आपको कह रही है कि बहुत ही आपको ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ और आपके और आप ना बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो कि कब होगा ये काम, कब होगा मेरे काम, कब होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेवन ऑफ पेंटिकल्स की लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पाइल में भी मुझे मनी रिलेटेड बहुत इशू थे, यहाँ पे भी मनी भी है, कैरियर भी है, और एक फैमिली वूंड्स भी मुझे जो दिख रहे हैं वो ऐसे हैं। तो यहाँ पे गॉड शिवा, लॉर्ड शिवा और पार्वती माँ कह रही हैं कि न्यूज़ ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़, अलाउइंग योर क्रिएटिविटी टू सोर, डू थिंग्स दैट फील दैट फ्यूल योर पैशंस, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। तो आपने अगर कुछ भी अपनी लाइफ में नया अपने कैरियर में स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ आप उसको ना
अगर उसका रिस्पांस जल्दी नहीं आ रहा है, आपको आप इम्पेशियस मत होइए, क्योंकि आपको उसकी चीज़ें रिटर्न बैक होंगी। आप लगातार अपना हार्डवर्क जिस तरह से करते आए हो, आप करते रहिए, बहुत ही जल्द समय में आपको इसका रिवर्ड बैक मिलेगा। ठीक है, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जल्दी मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, मैं जल्द से जल्द खुद के लिए भी और अपने परिवार के लिए बहुत सारी हैप्पीनेस और बहुत सारी प्रॉस्पर्टी आप लेना चाहते हो, फैमिली वुंड्स ख़त्म करना चाहते हो, तो गॉड ने कहा है कि आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें। जो आपको इंट्यूशन होती है उस इंट्यूशन को सुने, वहाँ पे कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि आप इंट्यूशन जब लेट गो करते हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो हमें कहता है कि तुम्हें बहुत सारी पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जो तुमने मेहनत की है, जो अपने सीड्स आपने प्लांट किए हैं, देखिए नीचे चैरियट का कार्ड है, वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप इम्पेशेंट ना होए, जो भी हो रहा है वो आपके लिए क्रिएट यहाँ पे किया जा रहा है, जो भी आपके साथ हुआ है उसे आप कहीं ना कहीं उसे अपना कार्मिक पैटर्न समझें, और जो भी इंट्यूशन हो रही है उस इंट्यूशन को अच्छे से सुने, क्योंकि यहाँ पे मुझे इस पाइल की, थर्ड पाइल की बहुत अच्छी इंट्यूशन दिख रही है। और देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और एक टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनली हो या मनी वाइज हो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, वो सब की सब आपकी लाइफ में बैलेंस आने को लिखा हुआ है। क्योंकि आपको ना अपनी क्रिएटिविटी और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप यहाँ पे एक्चुअली मैं अगर गाइडेंस के तौर पे लूँ तो वो ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करें और थोड़ी सी पेशेंस रखें, सारी चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो आप चाहते हो अपनी फैमिली को इतनी सारी खुशियाँ देना, वो सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ से, इस डेक से लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माँ आपको क्या मैसेज दे रही हैं और क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कैरियर वाइज किसी ने कोई अपना न्यू वर्क या कुछ भी स्टार्ट किया है, ठीक है, तो आप वो काम करें। अगर मैं इसे डीप डाउन जाऊँ तो थोड़ा सा इस तरह से भी मैसेज आ रहा है कि आप जो भी आपके पास्ट कर्मा है, जो भी अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हो, कहीं आगे जाना चाहते हो, जो आप अपने गॉड से, अपने आप से जो तुम प्रॉमिस करते हो, उन प्रॉमिसिक्स को निभाओ। आपके जो बाकी टेंशन्स है वो गॉड देख रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी को इम्पेशेंट होने से मना किया गया है और जो अपना वर्क है उसे करने को कहा गया है। जो आपका काम है वो आपको करना है, ठीक है। क्लॉक ऑफ विस्टम, मैंने कहा ना यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे स्पिरिचुअलिटी का भी इशारा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे यहाँ पढ़ती हूँ, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। क्योंकि ये इंट्यूशंस की बात मैं ऑलरेडी कर रही हूँ कि आपको एक्चुअली आंसर सारे पता है कि क्यों अभी काम रुके हैं, क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप अननेसेसरी वरी कर रहे हो, वो नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर इतना विस्टम है कि आप ईश्वर की हर बात को समझ सकें और उस समय को समझ सकें जो होने वाला है, ठीक है। आगे संत कुमार का निकला है मैसेज, लाइट एक्टिवेशन, ठीक है। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। मैंने आपको बोला ना, यहाँ मुझे कहीं ना कहीं इंटरनली और विस्टम का भी कार्ड आया है। तो अगर हम यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक देखें तो मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है, ये एक हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड है। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, ठीक है। बहुत ही जल्द आपकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, और आपको फोकस रहने को कहा गया है जो आपने बीड़ा उठाया है। देखिए यहाँ पे भी पेज ऑफ वैंड्स और ये भी है, जैसे किसी ने कुछ प्रॉमिसेस किए, कुछ स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, कोई काम आपने शुरू किया है उस पर अपना पूरा एफर्ट्स देना है, हार्डवर्क करना है, वो आप अपने कैरियर में करते रहें। आपको जैसा कहा जा रहा है, जैसी इंट्यूशन होती जा रही है, जो आपका थर्ड आई चक्र, आपका क्राउन चक्र यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, आने वाले समय में आपको इस तरह की कुछ एनर्जीज फील होंगी जो आप ना, आपको खुद ही अंदर ही समझ है कि अब क्या होने वाला है, जैसे आपके विज़न क्लियर होंगे। तो जैसे ना आपको बहुत सारी यहाँ पे वर्क करने हैं, जैसे कहीं ना कहीं अपना विस्टम फैलाना है, अपनी चीज़ें फैलानी है, आपके अंदर का ज्ञान जो है वो लोगों को बताना है। तो अपने कैरियर के थ्रू, अगर आप इसी कैरियर में हो तो आपको कैरियर के थ्रू या कैसे भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपके हार्डवर्क का जो फल है बहुत ही जल्द आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से आपके लिए दो कार्ड्स लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माँ, आपको क्या कहना चाहती हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
थैंक यू लॉर्ड शिवा, आप आई क्या मैसेज दे रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आर्कएंजल भोगपी का कार्ड है, इट इज़ टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए अगेन वही चीज़ बार बार आ रही है, मैं आपको वही चीज़ बोल रही हूँ, इस वक्त आपकी इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपको डाउनलोड्स हो सकते हैं, आपको सपने आ सकते हैं, आपको ड्रीम्स में कुछ दिखाई दे सकता है, जो आप हो सकता है आप मेडिटेशन करते हो, अगर नहीं करते हो तो प्लीज़ आप कीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। अगर आप कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको कह रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए और अपना वर्क, अपनी हार्ड वर्क करते रहिए, बहुत ही जल्द आपको सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। आर्कएंजल चैमल का कार्ड है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर एसेंस इज लव। ठीक है, आपका काम टेंशन खाना नहीं है, आपको पीस के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आपने आप बहुत ही विस्टम वाले पर्सन हो, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए पर्सन हो, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत स्ट्रांग है, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ और क्या होगा आगे, तो उन चीज़ों पर बिलीव करो। और आपको खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी एक लाइट का काम करना है, एक लाइट वर्कर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, लाइट वर्कर जो अपनी लाइफ को, खुद को, अपने आसपास वालों को, अपने रिलीम को बहुत सारी रोशनी दिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की एक राह दिखाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें बॉटम ऑफ द डेक, तो यहाँ पे लिखा है कि टाइम इंटू योर डिवाइन पोटेंशियल, बींग द वर्ल्ड इंटू हारमनी। देखो कितने सुंदर कार्ड है, मैं आपको ऑलरेडी कह रही हूँ कि आपको इन पूरी दुनिया को एक रोशनी दिखानी है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो बिलीव मी, यहाँ पे कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए कहा गया है। ये ऐसे जैसे जैसे समय स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओगे, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, और इस मार्च मंथ में आपको बहुत सारे विज़न, बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी के तौर पे दिखाई जाएंगी। प्लीज़ पेशेंस रखें, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत विस्टम वाले पर्सन हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप अपना पेशेंस गंवा देते हो, अपनी इंट्यूशन नहीं सुनते, जिस वजह से आप इतने एग्रेसिव या कह लो कि आपके अंदर वो एंग्जाइटी आती है। लेकिन गॉड कह रहा है, लॉर्ड शिवा कह रहे हैं कि आप एक विस्टम वाले पर्सन हो, आप अपनी विस्टम बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें, अपना जो भी काम शुरू किया है उसको पूरा करें, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा काम है जिसे आप पूरा करने के लिए आए हो। ठीक है, और अगर आपने कैरियर में कोई भी वर्क स्टार्ट किया है तो प्लीज़ उसे कैरी ऑन करते रहें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं यहाँ से जो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले यहाँ पे क्या है। तो ये जो कार्ड है, ये मैं आपके लिए एक रिचुअल, आपके लिए एक रेमेडी निकाली, हम आखिरी में देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस कार्ड में क्या है। यू डोंट नीड द एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स, यू डोंट नीड नॉलेज और ग्रेट फिलोसफिकल कंसेप्ट, यू हैव द राइट टू बी यू एंड यू एक्सप्रेस यूर ऑन डिवाइनिटी बाय बींग अलाइव एंड बाय लविंग योर सेल्फ एंड अदर्स। मैंने कहा ना सेम कार्ड है, देखिए यहाँ भी, और ये सेम कार्ड है कि ट्यून इन अप योर डिवाइन पोटेंशियल, बींग द वर्ल्ड इन टू हारमनी। ठीक है, ये भी कार्ड सेम है। अब देखिए यहाँ भी यही सेम चीज़ लिखी है, योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे कार्ड एक ही चीज़ कह रहे हैं, ये विस्टम का कार्ड, ये सब चीज़ एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन, आपका विस्टम इतना ग्रेट है, आपको ज़रूरत नहीं है किसी से कोई आपको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपको ऑलरेडी पता है, अपने विस्टम को बनाए रखें और स्टे फोकस, अपना फोकस कहाँ आपको इस वक्त करना है, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे करना है, कैरियर में करना है, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आप अपना फोकस बनाएं और आगे बढ़ते रहें। द वॉक का कार्ड है, ये भी यही बात करता है कि कहीं ना कहीं जब हम जैसे होता है ना कि हम कोई उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं अपनी लाइफ में, तो व्रत कैसे भी रखें लेकिन वो व्रत माना जाता है, वो व्रत कैसा भी हो, तो आपने भी जीवन में जैसे भी त्याग किए, जैसी भी साधना लगी है यहाँ पे, जैसी भी साधना की है, वो साधना का फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने एक पेशेंस एक काफ़ी समय तक दिखाई भी है और बहुत सारी चीज़ें आपने उन चीज़ों को करने का बीड़ा उठाया है, और आप एक लाइट वर्कर की तरह आगे बढ़ रहे हो और ईश्वर की दी हुई गाइडेंस को समझ रहे हो, तो यकीन मानो यहाँ पे एक कुछ बड़ा क्रिएट होगा। आप
आप अपनी इंट्यूशन और मेडिटेशन करते रहें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। आपको ज़रूरत नहीं है किसी से राय लेने की, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ बड़ा क्रिएट होने की बात कर रही है। हम यहाँ पे जितना भी कलेक्टिव रीडिंग में हो सकता है ये लाइनें बहुत कम लोगों को सूट करें, बट जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो इन बात को समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ लाइफ में आगे एक लाइट वर्कर का काम करना है, और हो सकता है आप अभी कर भी रहे हो। तो आप अपनी पेशेंस, अपने आप को बैलेंस करें, बहुत ही जल्द आपकी मेटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज़ें भी, इशू भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, और वो आपको पता है, वो ऑलरेडी आप इस चीज़ से नाउन हो कि क्यों रुके हुए हैं चीज़ें वो, ठीक है। यही आपके लिए गाइडेंस है, होप ये गाइडेंस आपको समझ आई हो। तो चलिए देखते हैं रेमेडी क्या है आपके लिए। तो रेमेडी में यहाँ पे है कैंडल सेंटरिंग मेडिटेशन स्पेल। देखिए मेडिटेशन का है, यहाँ पे ऐसा है कि एक कैंडल लीजिए, आप उसको जलाएं, और जला उस कैंडल के ऊपर पहले एक 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 कोई भी चाकू जो होता है ना, फ्रेश चाकू से धार वाला, वो ले लीजिए, और उस पर अपना नाम लिखें और अपनी डिज़ायर लिखें, ठीक है। उस डिज़ायर को लिखने के बाद उस कैंडल की लो को बहुत अच्छे से देखें, और वो डिज़ायर इंटेंशंस और आपके इंटेंशंस, देखिए कोई भी हम रेमेडी करते हैं उसमें आपके इंटेंशंस हमेशा प्योर होने चाहिए, एक मानव कल्याण के लिए, खुद के कल्याण और मानव के कल्याण के लिए भी होने चाहिए, ठीक है। तो उस पे कैंडल पे आप अपना नाम लिखें और अपनी डिज़ायर लिखें उस चाकू से, उसके बाद उसे जला दें, उसे फोकस करें, उसकी लाइट को फोकस करें। और यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं, तो मैं ये जो आपको वो लाइन्स बोलनी है उस कैंडल की लो को देखते हुए और आंखें बंद करते हुए अपनी डिज़ायर को फील करना है, तो आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी जो है ना मेडिटेशन में बहुत सारे विज़न और बहुत सारी नॉलेज आप लोगे, ठीक है। ये जो मैं लाइन्स हैं, ये जो भी हैं, ये मैं एक टाइम स्टैम्प में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। और डियर, मैंने ये सारी जो भी रेमेडीज़ तीनों पाइल्स में बताई हैं, ये तीनों रेमेडीज़ मैंने ब्लेसिंग के साथ अपनी अपनी जो अपनी मेडिटेशन और अपनी एनर्जीज के साथ ये निकाली थी ये रेमेडीज, और ये रेमेडीज आपके बिल्कुल काम आएंगी, और रेमेडीज करने के बाद आप अपनी लाइफ में एक मैजिकल चेंज भी देखोगे, एंड इसे बिलीव के साथ और ट्रस्ट के साथ इन रेमेडीज को कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। पाइल थ्री, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही विजडम और बहुत ही एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो आप, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।